जय गुरुदेव नाम कृष्ण, जय गुरुदेव नाम कृष्ण। तत्व है जल पृथ्वी अग्नि वायु आकार, जम्मा के पेट में तैयार हो गया तो काल भगवान ने तुरंत को उसमें लाकर बैठा दिया। अब यह काल का शरीर है, शरीर मृत्यु लोग का है, काल का है। ये शरीर ऊपर तो जा नहीं सकता, स्वर्ग में तो जाएगा नहीं, बैकुंठ में भी नहीं जाएगा, तो ऊपर कैसे, जहां की चीज हुई अब वहां तो लिंग शरीर है। 17 तत्वों का 10 इंद्रिया किसु क्षमता करना और जो तम गुण सतो तो फिर 5 तत्वों का अपने अपने लोग में अलग अलग शरीर है, तो आप यहां फल रहे हो, जब पैदा हुए हो शरीर तो दूसरे का है, और जो इसी पालन पोषण करेंगे वो यही ये सामान करेंगे। दूध है, अनाज है, पर फूल यही के। अब आपको ये समझना चाहिए, जब शरीर हमारा नहीं है और शरीर अच्छा के जो सामान वो भी हमारे नहीं, खाली जीवात्मा है, तो उसे जगाना चाहिए। जब रास्ता हमको मिल गया सरल सीधा, तो आपको अभ्यास करना चाहिए। उसी जगह पर मन है, वहीं पर सूरत है, वहीं पर कान है, और वहीं पर मन है। उसी जगह नाक है, उसी जगह मन है, और मन आग का साथ नहीं देता, मन कान का साथ नहीं देता। ये तो तुम्हारे पास है, तो आग के साथ मन को रोको, कान के साथ रोको, लेकिन 1 सेकंड नहीं रुकता है। इतने दिन हो गए, काफी समय हो गया, ये आपका मन नहीं रुका, इसलिए आपकी इच्छा नहीं है। तो ये इच्छा है कि हमको बाहर साधन सामग्री दे दी जाए और हमारी तकलीफ सारी लिखे हो और हमको बच्चे अच्छे दे दी जाए, यही आपकी मांग है। और ये कहा जाए भाई जीवात्मा, जल्दी करो, देर मत करो, तो आपका मुंह मुरझा जाता है। आपको वो नहीं चाहिए, ये चाहिए, और ये नहीं मालूम आपको जिन लोगों ने इसको प्राप्त किया, कैसे पैसे प्राप्त किया, ये तो आपको मालूम नहीं। सबको अपना जैसा घटाते हो,
अपना जैसा मानते हो। अब ये लोग जो आ रहे हैं, जितनी बातें समझाई इनके तो झूठ गई। ये आगे क्या कह दिया और अब क्या सुने, अगर इनको 8 बजे का समय दिया जाए तो 8 के बाद आएंगे, 8 के अंदर नहीं आएंगे। 9 का समय दिया जाए तो 9 बजे के बाद पहुंचे। हाथ जोड़ करिया कहे स्वामी, जग संसार भाव भ्रम खानी। हाथ जोड़ करके करिया स्त्री ने कहा गोस्वामी जी से कि महाराज, ये जगत जो देख रहे हो संभ्रम है, ये खानों में ले जाने वाला संसारी भ्रम है, ये अपना कोई नहीं। अपना है कोई नहीं। बोलो। जीव गति की राह बताओ, जग में आए महा दुख पायो। कहते मैं संसार में आई तो मुझे महान कर चुका, अभी तक तो हमको कोई सुख नहीं मिला। तो स्वामी जीव गति का रास्ता बताइए, हम तो वो सुनना चाहते हैं और वही लेना चाहते हैं, इसे जीव गति हो जाए, छुटकारा अलग हो जाए, यहां से छूट जाए और अपने घर में पहुंच जाए, तो वो रास्ता स्वामी बताइए। स्वामी का है जगत सुख भारी, काहे उदास भाई तुम नारी। अरे देवी तुम क्यों उदास हो, जगत में बहुत सुख है, बहुत सुख है जगत में, तुम उदास क्यों होती हो। कन्या पुत्र सकल परिवारा, सुख संपत्ति भोगो तुम सारा। जिनके पास कन्या हो और पुत्र हो और परिवार के लोग हों और धन हो, उसको भोगना चाहिए, खूब भोगो, इसी में सुख है और कहीं भी सुख नहीं है। करिया कहे कया रज हमारी, या जग संग संसार दुखारी। करिया ने कहा है स्वामी, हमारी ये कर दी है इस जगत के साथ जो जो लगा हुआ है सब इससे दुखी, कोई सुख नहीं है, कोई सुखारी नहीं, किसी को हमने नहीं देखा ये किसी को सुख मिला हो, सब कुछ तो हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप जीव गति का राह बता दीजिए, जीव गति का रास्ता बताइए। बोलो। तन बिन साए जैसे जल ओरा, जग जम जाल करत है जोरा। तन ऐसे बिनस जाएगा जैसे ओले गिरे और तुरंत देखते देखते गिर गए, ऐसे ही मनुष्य रूप तन आपका चला जा रहा है, वो तो खत्म हो गया, कितने दिन चलना है, और जिनका रह गया वो अगले साल आप बता रही है। तो इस जगत में ऐसे इन वासनाओं में गल जाओगे जैसे ओला गल गया और शरीर छूटा कि जमपुरी में निवास हो गया, देवपुरी में निवास नहीं होगा, जमपुरी में होगा।
तन सराय दिन चारी बसेरा या में को ना काहू केरा। तो ये तन सराय है और इसमें चार ही दिन तो रहते हैं। बच्चा जब पैदा हुआ, थोड़ा सा जब चलने फिरने लगा बच्चा बड़ा, आगे चल गया जवानी आई, फिर बुढ़ापा आ गया, चार ही दिन तो रहना। अरे चार ही दिनों तक रहना है और तन छूटे फिर वो नरकों में। तो ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर जो प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला उसको आपने इसमें लगा दिया, इन आसमान भोगों में, क्षणिक भोगों में लगा दिया, तो जीव कल्याण कैसे करोगे? इसका तो कल्याण होगा नहीं। धन संपत्ति दिन चारी बिलासा, पुनितन छूटी झूठ सब आसा। इसमें है धन संपत्ति का विलास, चार ही दिन का तो है, फिर यह तन इससे छूटा, इससे अलग हो जाएगा, शरीर छूटा तो सामान ये पड़ा और शरीर यहाँ का हुई ये पड़ा और जीवात्मा को निकाल ले गए। तो वहां कोई अच्छा काम नहीं किया तो उसको ले गए नरक में। तो जीव गति का लाभ किधर हुआ, कैसे छुटकारा हुआ? बोलो। ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जात जुआ जस हारा। ऐसे जगत का व्यवहार इस मोह में ममता में वासनाओं में पड़ा हुआ और ये हमने देखा कि सब जगत का ये व्यवहार है और इसी धोखे में चले। फिर पता भी नहीं चला। जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जात तन जैसे जाई। जैसे पतंग हवा में उड़ाते हो, जोर से हवा आई तो पतंग लेकर चली गई, रस्सी टूट गई, चली गई, पता नहीं कहां ले गई। ऐसे ही तन हवा की तरह से बह रहा और छूटेगा तो जीवात्मा न वालों का बंद की जाएगी, कहां इसका जन्म होगा इसका कोई पता नहीं। पर ये तन मन दिन चार निवासा, छूटे तन जामपुर में बासा। ये तन इसमें चार इसके संग चार दिन का विलास है और तन छूटा तो जीवात्मा को नर्क नर्क में उसको बंद किया। बोलो। भाई बंद सकल परिवारा, तिरिया पुत्र सब झूठ पसारा। ये भाई है और बंधु और सकल परिवार तो मित्रगण है और स्त्री पुरुष ये सब झूठ और झूठ का नाता, ये सब झूठ है, इसमें कोई चीज सत्य नहीं। स्त्री बीच में मिली, पति बीच में मिला, बच्चे बीच में मिले, अब मोह करते हो बच्चे से मोह, बच्ची से मोह, मेरा बच्चा ना कहीं चला जाए, मेरी बच्ची ना जाए, इधर हो जाए मेरा पति ना हो जाए, मेरी पत्नी ना चली जाए कहीं, ये सब मोह और वासना जो कोरू में फैल रही है तो इसका तो छुटकारा नहीं हो सकेगा। वासना ने लपेट लिया, अब निकलने देती नहीं है, सोते भी वासना जागते भी,
दोनों तरफ बात नहीं बात लगे पड़े हुए हो।